स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। आइए डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करते हैं। और इसके पहले एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। और हमारे चैनल के थ्रू क्लास 8 का कोर्स करना चाहते हैं आरएस अग्रवाल से, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। गिव ए रीजन टू शो डैट नन ऑफ द नंबर्स गिवेन बिलो इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। कह रहा है कि जितने भी नंबर दिए हुए हैं ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसका रीजन बताना है क्यों नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक पता होना चाहिए, कुछ थ्योरम पढ़े होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे कि कोई भी नंबर जो होता है किस नंबर से इंड होगा तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो देखिए फर्स्ट नंबर का आंसर कैसे लिखिएगा। पहला नंबर फर्स्ट का फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है, 5372। बताइए यह आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्यों नहीं है। लिखेंगे यह है नन, लिखा हुआ है नन परफेक्ट स्क्वायर, ये नन परफेक्ट स्क्वायर है। अब रीजन देना है बिकॉज अ नंबर एंडिंग विथ इनिट डिजिट, चाहे सिंपल लिखिएगा अ नंबर एंडिंग इन टू, बोलेंगे बिकॉज अ नंबर एंडिंग इन टू इज नेवर परफेक्ट स्क्वायर। समझ गए, एक नंबर जो होता है जिसका इंड टू से होता है, डेट मीन जिसका यूनिट डिजिट अगर टू है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। देखिए इसी तरह सब क्वेश्चन में आपको रीजन लिख देना है, ठीक है। देखिए अब है 5963, क्या यह होगा, तो ये भी लिखिएगा नो, यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। बिकॉज क्यों लिखिएगा, बिकॉज इट एंड्स विथ, क्या बोलेंगे, इट एंड्स विथ 3, हो गया। ऐसे लिखते चलिएगा शॉर्टकट में। 3 नंबर में क्या लिखिएगा, देखिए 3 नंबर में दिया हुआ 8457, तो क्या बोलेंगे, ये भी नहीं होगा, बिकॉज यही लिख दीजिएगा, बिकॉज इट एंड्स विथ 7, क्योंकि 7 किसी का स्क्वायर करने में नहीं आता है, 3 किसी का स्क्वायर करने में नहीं आता है, ठीक है, और 2 भी किसी का स्क्वायर में नहीं आता है। इसी तरह एक और होगा, मतलब कि यहाँ पे आपको ये समझना है, और एक 8 है तो 8 भी उसी तरह लिखिएगा। फोर्थ नंबर में कितना है, 9, 4, 9, 4, 6, 8, ये भी आपका नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कि ये इंड किससे हो रहा है, 8 से हो रहा है, और 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। बात समझ में आ गई। चलिए फिफ्थ नंबर में देखा, देखिए दिया हुआ है फिफ्थ नंबर में दिया हुआ है 360, एक इसको इसमें रीजन क्या देखना, देखिए यहाँ पे जो इंड हो रहा है वो ऑड नंबर ऑफ जीरो से हो रहा है, ऑड नंबर ऑफ जीरो से जब वो इंड होगा तो लिखेंगे नहीं है, बिकॉज लिख दीजिएगा, बिकॉज इट एंड्स विथ ऑड नंबर ऑफ जीरो, ऑड नंबर ऑफ जीरो मतलब 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इस तरह का, तो ये भी आपको नहीं होगा। 6 नंबर भी उसी तरह दिया हुआ है, 6 नंबर में देख सकते हैं 6400 है, इसमें भी बोलिएगा बिकॉज इट एंड्स विथ ऑड नंबर, क्या आ गया, देखिए 3 को ऑड, 3 क्या 1 2 3 3 जीरो है ना, तो ये भी तो ऑड नंबर है, तो इसी में ये भी आपको लिख देना, रीजन लिख देना है, ठीक है। 6 नंबर में 6 हो गया, 7 में भी आपको उसी तरह लिखना है, देखिए ऑड नंबर है 1 2 3 4 5 लिख दीजिएगा बिकॉज, है ना, ये भी लिख दीजिएगा आप उसी तरह 2 5 1 2 3 4 5, है ना, ये भी लिख दीजिएगा कि क्या चीज़ से इंड हो रहा है, ये भी आपका ऑड नंबर से इंड हो रहा है, तो ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। चलिए फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो गया, खाली वन रीजन लिखना था। सेकंड नंबर में देखिए लिख रहा है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, देखिए ये भी प्रॉपर्टी आपको जानना होगा, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी स्क्वायर नंबर जब बनता है, इवन नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो इवन नंबर मिलता है, और ऑड करते हैं तो ऑड मिलता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर क्या हो गया,
196 ये इवन नंबर है, तो यह फर्स्ट 196 जो होगा ये क्या होगा आपका, ये आपका इवन नंबर का स्क्वायर होगा, इवन नंबर स्क्वायर, ठीक है, इवन नंबर का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज ए स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है, बिकॉज 196 इज ए इवन नंबर, ऐसे लिख सकते हैं आप। सेकंड नंबर में लिख दीजिएगा, देखिए सेकंड नंबर में 441 है, ये आपका होगा तो नहीं होगा, ठीक है, ये आपका नो हो जाएगा, ठीक है। थ्री नंबर में देखिए 900 है, 900 है तो जीरो है ना, तो ये आपका यस हो जाएगा, ठीक है, यह इवन मतलब इवन नंबर का यह स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर में आपको उसी तरह 625 है, 625 है तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये भी इवन नंबर नहीं होगा, ठीक है। और फिफ्थ नंबर में क्या लिखिएगा, 324, 324 ये आपका इवन नंबर होगा, समझ गए, ठीक है। अब देखिए थ्री नंबर क्वेश्चन, देखिए थ्री नंबर क्वेश्चन में उसी तरह पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स, तो हम जानते हैं कि ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर मिलता है, तो फर्स्ट नंबर देखिए ये क्या है, 484 इवन नंबर है, तो 484 इवन नंबर है, ठीक है, तो ये आपका नहीं हो जाएगा, लिखेंगे दिस इज नॉट स्क्वायर ऑफ, नॉट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, ठीक है, ऐसे हो गया। उसके बाद सेकंड लिखिए 961, ठीक है, 961 ये आपका हो जाएगा, ठीक है, यहाँ लिखिएगा, तो इसे लिख दीजिएगा दिस इज स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, ठीक है, इसी तरह लिखते चल जाइएगा। थ्री नंबर में, थ्री नंबर में क्या है, देखिए 7 7 3 9 6, तो ये आपका इसमें आपका नोट हो जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर में क्या लिखिएगा, चौथा नंबर में आपको दिया हुआ 8649, 8649 ये आपका यस हो जाएगा, है ना, ये आपका नोट ए ऑड नंबर का स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह लिख लीजिएगा। और पांचवा नंबर क्या है, 4225, तो ये भी आपका हो जाएगा ऑड नंबर का, ये भी आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह हमने देख लिया कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर कैसे होती है, और ऑड का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, और इवन का स्क्वायर करता है तो क्या आता है। तो 1 से लेके 3 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।